नमस्कार दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर के सेगमेंट में आपको हमारा जो बुक आ रहा है करंट अफेयर का, उसी के बेस पर पूरा स्टडी कराऊंगा। इसके साथ ही आगे आने वाले जितने भी छत्तीसगढ़ संबंधित करंट अफेयर्स होंगे, उन सभी को वीकली आपके समक्ष डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो करंट अफेयर शुरू हो रहा है वो पूरा आपका कम्प्लीटली एग्जाम फोकस्ड रहेगा, ताकि मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम के अनुसार से जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को कम्प्लीटली पढ़ाया जाए और सीधा उसी पे फोकस किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में, पदाधिकारी जो भी हैं एग्जाम में जो रिलेटेड है उनसे। तो देखिये, संसदीय कार्य मंत्री, हमारे यहाँ संसदीय कार्य मंत्री कौन है? रविन्द्र चौबे जी, रविन्द्र चौबे। तो ये है हमारे संसदीय कार्य मंत्री। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत जी, चरणदास महंत। वहीं उपाध्यक्ष हैं मनोज मंडावी जी, मनोज मंडावी, इनको तो आप जानते ही हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो श्री धरमलाल कौशिक जी, धरमलाल कौशिक जी। तो इनको आपको इजीली याद करना है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो भी अपडेट हुआ है वो ये है कि अभी छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव कौन है? तो छत्तीसगढ़ में अभी मुख्य सचिव है आरपी मंडल जी। वहीं पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, पुलिस महानिदेशक हैं बीएम अवस्थी जी। मुख्य सूचना आयुक्त, तो अभी मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं एम के राउत जी। वहीं मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है वो है रीना कंगाले जी। आगे देखते हैं, सीजीपीएससी के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो टामन सिंह सोनवानी जी, श्री टी एस सोनवानी जी। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। इस तरह से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं महेंद्र छाबड़ा जी। राज्य के महाधिवक्ता हैं सतीश चंद्र वर्मा जी, और प्रधान वन संरक्षक हैं राकेश कुमार चतुर्वेदी जी। तो इतने जो पदाधिकारी हैं आपको याद करने हैं। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं संसदीय सचिवों के बारे में। तो देखिए, संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी जुलाई सन 2020 में। इनको 14 जुलाई सन 2020 को शपथ दिलाया गया था। कुल 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई थी। तो इनको मैंने डिवीजन करके आपको बताया है। देखिए, और शुरू कर लेते हैं इसमें। देखिए, तो ये है संसदीय सचिव, इनके नाम इस तरफ है, और उनका विधानसभा जो क्षेत्र है वो बीच में है, और उनके जो कार्यभार मंत्री हैं, कार्यकारी जो मंत्री होंगे वो इस तरफ मैंने लिख दिए हैं। तो ये सभी चीजें हैं। देखिए, पहले हैं गुरुदयाल बंजारे और विनोद चंद्राकर। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो नवागढ़ और महासमुंद है। फिर इनके जो मंत्री हैं कौन है? टीएस सिंहदेव जी। इनको ध्यान रखेंगे कि इनके जो विभागीय मंत्री हैं, विभागीय मंत्री वो कौन है? तो टीएस सिंहदेव जी हैं, इसको ध्यान रखेंगे। उसी तरह से देखिए, चिंतामणि महाराज और विकास उपाध्याय, ये कहां से है? तो पाटसामरी और रायपुर पश्चिम से। इनके विभागीय मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी। शिशुपाल सूरी और चंद्रदेव राय, ये कहां से इनको विधानसभा क्षेत्र? तो कांकेर और विनायगढ़। विभागीय मंत्री हैं मोहम्मद अकबर। वहीं शकुंतला साहू, इनका विधानसभा क्षेत्र है कसडोल, और विभागीय मंत्री हैं रविंद्र चौबे जी। द्वारकाधीश यादव, इनका विधानसभा क्षेत्र है खल्लारी, और विभागीय मंत्री हैं प्रेम सिंह टेकाम जी। पारसनाथ राजवाड़े, इनका विधानसभा क्षेत्र है भटगांव, और विभागीय मंत्री हैं उमेश पटेल। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखिए, इंदरसा मंडावी के विधानसभा क्षेत्र है मोहिला मानपुर, और इनके विभागीय मंत्री हैं जय सिंह अग्रवाल जी। वहीं अंबिका सिंह देव विधानसभा क्षेत्र है बैकुंठपुर, और विभागीय मंत्री हैं गुरु रुद्र कुमार जी। यूडी मिंज, तो इनका विधानसभा क्षेत्र है कुनपुरी, और इनके विभागीय मंत्री हैं कवासी लखमा जी।
रश्मि सिंह का जो विधानसभा क्षेत्र है वो तखतपुर है और इनके विभाग मंत्री है अनिला भेड़िया जी। कुंवर सिंह मिश्रा गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र और विभागीय मंत्री अमरजीत भगत जी। रेखचंद जैन जी का विधानसभा क्षेत्र है जगदलपुर और विभागीय मंत्री है शिव डहरिया जी। राज्यसभा सांसद, देखिए हमारे यहाँ जो राज्यसभा सीट है उनकी संख्या 5 है, तो 5 कौन कौन से राज्यसभा सांसद है उनका लिस्ट यहाँ मैंने लिख दिया है, साथ में उसका कार्यकाल भी लिखा हुआ है। तो देखिए अभी जो नए दो राज्यसभा सांसद बने हुए हैं वो है पुरदेवी नेताम जी और केटीएस तुलसी जी। तो ये जो दोनों हैं इनको निर्विरोध चुन लिया गया है, इनका कार्यकाल है जुलाई 2020 से जुलाई 2026 तक रहेगा, 6 साल का होता है। इसी तरह से देखिए केटीएस तुलसी का भी जुलाई 2020 से क्यों हुआ है, तो जुलाई 2026 तक अपने पद पर आसीन रहेंगे। और ये दोनों हैं ये दोनों ही कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस के। ठीक, रामविचार नेताम जी की नियुक्ति हुई थी जून सन 2016 में और इनका जो कार्यकाल रहेगा जून 2022 तक रहेगा और ये बीजेपी से हैं। वहीं छाया वर्मा जी की भी नियुक्ति जून 2016 में हुई थी और इनका भी कार्यकाल जून 2022 तक रहेगा, ये कांग्रेस के हैं। वहीं सरोज पांडे जी की नियुक्ति हुई थी अप्रैल 2018 में और इनकी ये अपने पद पर रहेंगे अप्रैल 2024 तक, ये बीजेपी के हैं। तो ये अभी कौन कौन से राज्यसभा सांसद हैं छत्तीसगढ़ में वो हमने यहाँ पे देखा है। आगे देखते हैं जो हमारे यहाँ नगर निगम चुनाव हुए थे, तो नगर निगम चुनाव में जो महापौर बने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनको मैंने मैप में आपको बता दिया है, आप मैप से ट्रेस कर लीजिए। देखिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम हैं, जिसमें से 10 में चुनाव हुआ था 2019 में, 4 में नहीं हुआ है, भिलाई, चरौदा, बीरगांव और रिसाली, ये 4 जो है उनमें चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन इन 10 में चुनाव हुआ है। तो 10 में कहां कहां से कौन कौन महापौर बने हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। देखें चिरमिरी से कंचन जायसवाल जी, वहीं अंबिकापुर से अजय तिर्की, कोरबा से राज किशोर प्रसाद जी और रायगढ़ से जानकी काटजू जी, रायपुर से एजाज ढेबर जी चर्चे में हैं, अभी महापौर संघ के अध्यक्ष बन गए हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। धमतरी से विजय देवांगन जी, जगदलपुर से सफीरा साहू जी, वहीं दुर्ग से धीरज बाकलीवाल जी, राजनांदगांव से हेमा देशमुख जी और बिलासपुर से रामशरण यादव जी। तो ये हमारे यहाँ 10 जो महापौर हैं उनका चुनाव हुआ था पिछले वर्ष, इसमें ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ 4 जो हैं महिला महापौरों की नियुक्ति हुई है, उसको भी आप याद रखेंगे। देखिए कंचन जायसवाल, हेमा देशमुख, इसी तरह से जानकी काटजू और सफीरा साहू, तो ये 4 जो है महिला महापौर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मरवाही विधानसभा उपचुनाव के बारे में जानते हैं। देखिए इसको पहले मैंने पढ़ाया हुआ था, तो अजीत जोगी जी के देहांत के बाद यहाँ का जो सीट था वो खाली हो चुका था, तो इसके लिए चुनाव 3 नवंबर को होना है और इसका जो नतीजा आएगा वो 10 नवंबर को आएगा। यहाँ की जो सीट है वो एसटी के लिए आरक्षित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने इस करंट अफेयर में आपको वही पदाधिकारियों के बारे में प्लस चुनाव के बारे में कम्प्लीटली आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा वो भी कम्प्लीटली एग्जाम फोकस्ड होगा, हमारे बुक में जो नया करंट अफेयर का बुक आ रहा है उसी के अनुसार से मैं पूरा आपको फोकस्ड कर रहा हूँ। यदि कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।